आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस और फंडिंग न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क्स की। दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी दोस्तों आज ग्रीन जोन में देखने को मिले हैं। 59,000 के ऊपर दोस्तों जो है आज सेंसेक्स चल रहा है। 17,600 के आसपास जो है निफ्टी चल रहा है। गोल्ड की प्राइसेस दोस्तों अभी भी जो है गिरी हुई है। 200-300 रुपये से फिर से आज गिरी है। लगभग 250,000 रुपये से नीचे जो गोल्ड आ चुका है। और डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है 71.67 के आसपास चल रहा है। डॉलर दोस्तों जो है लगभग 71.50 से लेकर 71.80 के बीच में चलता रहता है। दोस्तों सबसे पहले खबर निकल के आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि दोस्तों जो है फार्मर्स को इंसेंटिव देने वाले हैं दोस्तों हाई क्वालिटी सीड्स को परचेस करने के लिए, जैसे कि दोस्तों वो नेचुरल फार्मिंग की ओर जो है अपना रुख जो है बदल सकें। क्योंकि दोस्तों जो ज्यादातर फार्मिंग होती है तो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के द्वारा होती है, लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि जो है नेचुरल फार्मिंग हो, जैसे कि दोस्तों अच्छा क्वालिटी का जो हेल्थ भी दोस्तों हमको जो है फूड मिले और तो जो है लॉन्ग टर्म तक जो है एक जो जमीन की दोस्तों जो क्रॉप है वो ज्यादा चल सके। इसलिए देखते जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव देने वाली है फार्मर्स को, जैसे कि वो नेचुरल जो फार्मिंग कर सकें। निकल गया अंबुजा सीमेंट्स की, उनके दोस्तों जो बोर्ड है जो नया बोर्ड बनाया दोस्तों अडानी की खरीदने के बाद दोस्तों 15 सितंबर को उन्होंने जो अप्रूव कर दिया है। 20,000 करोड़ रुपये दोस्तों जो एडिशनल वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट्स के अंदर अडानी ग्रुप दोस्तों, जिससे दोस्तों और बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया जाए। और इसकी वजह से उनका जो BSE दोस्तों उनका शेयर 10% ज्यादा बढ़ा है, 500 रुपये पहुंच चुका है। दोस्तों क्या आप दोस्तों अंबुजा सीमेंट के शेयर खरीद रखें तो आप कितने दोस्तों कितने समय से आप उसमें इन्वेस्ट कर रखे हो, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगली खबर निकाल करती है ओयो की तरफ से दोस्तों, उनका जो EBITDA है दोस्तों आपकी वजह से दोस्तों क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। 7 करोड़ दोस्तों मुझे प्रॉफिट हुआ है, EBITDA आया है उनका दोस्तों। और ओयो दोस्तों जो प्लानिंग कर रहा है अपना IPO लाने की, दोस्तों पहले भी उन्होंने कहा था लेकिन दोस्तों उनका जो नया जो IPO की जो फाइलिंग दोस्तों उन्होंने कर दी है आज दोस्तों मंडे को कर दिया। और जो है लगभग January 2023 में दोस्तों इनका जो IPO आने की पूरी बात चल रही है। देखते दोस्तों कब तक इनका IPO आता है, और इनका IPO आता है तो क्या आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों कि इंडिया दोस्तों 35,000 करोड़ रुपये दोस्तों फायदा हुआ है। दोस्तों इंडिया ने रशिया से जो है बहुत सारा क्रूड ऑयल खरीदा है बहुत ही सस्ते दामों में। दोस्तों जो वॉर उनकी शुरू हुई थी यूक्रेन से, उससे पहले दोस्तों हम 1% खरीदते थे रशिया से, लेकिन दोस्तों 12% जो है हमारा टोटल इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल का होता है वो रशिया से हो रहा है। थर्ड लार्जेस्ट दोस्तों बायर बन चुका है रशिया हमारा। और दोस्तों काफ़ी अच्छा जो है फायदा भी हुआ है, लेकिन दोस्तों अमेरिका ने दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शन भी जो हम पे लगाए थे कि आप रशिया से ऑयल जो नहीं खरीदिए, लेकिन दोस्तों हम जो है सेकंड लार्जेस्ट बायर है दोस्तों चाइना के बाद जो रशिया जो है इंपोर्ट कर रहा है ऑयल को दोस्तों क्रूड ऑयल को। दोस्तों अगले खबर निकल के आती है दोस्तों इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है दोस्तों वो 30% ज्यादा बढ़ा है, 8.36 लाख करोड़ दोस्तों 2022 के 23 के फाइनेंशियल ईयर में हो चुका है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 30% ज्यादा बढ़ा है दोस्तों। अगर जो नेट कलेक्शन दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नेट है वो दोस्तों 7 लाख करोड़ का है, टोटल जो ग्रॉस है वो 8.36 लाख करोड़ है। दोस्तों काफ़ी अच्छी दोस्तों जो है हमारा जो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। GST में दोस्तों जो है हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी, UPI में अच्छी प्रोग्रेस करी है, और देखते दोस्तों जो है कितनी और तेज हमारी जो इकोनॉमी ग्रो कर पाती है। दोस्तों 5th लार्जेस्ट जो हमारी इकोनॉमी बन चुकी है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो इनकम टैक्स जो हम रिसीव करते हैं दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो डेटा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आता है, और GST का जो डेटा दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कहलाता है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो दोस्तों यहीं खत्म होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर देना इसी तरह की वीडियोस डेली देखने के लिए।